हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है मैजिक शॉप एंड आज का जो वीडियो है उसका नाम है द विच। साउथ कोरिया की मूवी है एंड मूवी रियली में काफ़ी अच्छी होती है। साउथ कोरिया की ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। इसकी जो रेटिंग है 7.1 IMDb पे है आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोस पे 88% फ्रेश है एंड 96% गूगल यूजर्स ने इसको काफ़ी लाइक किया है। मूवी 2018 में आई थी और अगर आपको एक्शन पसंद है, मिस्ट्री पसंद है तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक्शन भी भरपूर है और मिस्ट्री तो भर भर के है इसमें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, इस साथ द एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आएगा। बट उससे पहले अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही में वीडियोस को लाइक करिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। अपने कोई भी रिकमेंडेशन हो तो मुझे बता सकते हो आप। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी के फर्स्ट सीन दिखाते हैं, वहाँ पे एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट होते हैं एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिनके ब्रेन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एंड साथ ही में मूवी के स्टार्टिंग में बहुत सी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं जो बहुत ही वियर्ड होती हैं एंड बहुत ही पुराने लाइफस्टाइल को शो करती हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर बेक एक लेडी होती है जो सीक्रेट प्लेस पे जा रही होती है एंड वो जैसे वहाँ पहुँचती है देखती है वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ब्लड होता है, बहुत सारा ब्लड। एंड कुछ आदमी होते हैं जो मुंह लटका के खड़े होते हैं एंड डॉक्टर बेग उनको बहुत डांटती है क्योंकि उनके आदमियों के हाथ से एक बच्ची छूट गई थी जिसका नाम था जा ह्योन और सिर्फ 8 साल की थी और कुछ आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। डॉक्टर बेग के गुंडे जा ह्योन का पीछा बहुत करते हैं, जंगलों तक भागते हैं बट उसको पकड़ नहीं पाते, जिससे डॉक्टर बेग काफ़ी गुस्सा होती हैं। तभी उनके हाथ एक बच्चा आता है जिसको देख के खुश होते हैं एंड वो उसको पकड़ के ले जाते हैं गुंडे। डॉक्टर बेग उस लड़के को देखती हैं, उसको बहुत गाली देती हैं, देने के बाद में उसके आदमी उसको वहाँ से लेके जाते हैं और हमको पता चलता है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों के दिमाग के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको एज ए स्पेशल चाइल्ड बनाते हैं। मिसेस ब्रेक को वो बोलती हैं अपने आदमी मिस्टर चॉय को कि गवर्नमेंट को बोल दो बच्ची मर चुके हैं एंड तुम उस बच्ची को अभी भी खोजो। फिर दिखाते हैं जा ह्योन को जो भागते भागते एक फार्म के पास में बेहोश जाती है एंड वो फार्म मिस्टर गो का होता है। जब वो देखते हैं बच्ची वहाँ बेहोश है तो उसको लेकर जाते हैं अपने घर, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं एंड हाल ही में उनका बेटा भी एक्सपायर हो गया था तो वो उस बच्ची को एज अपना बेटा उसको पालते हैं। डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, वो डॉक्टर बोलता है इसको बहुत चोट लगी है, कोई सीरियस इंजरी नहीं है इतनी चोट के कारण में ये अपनी याददाश्त भूल चुकी है। गो की जो वाइफ होती है जब भी देखती है जायान को उसको बहुत प्यार आता है और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कहानी में 10 साल का लीप आता है जहाँ पे जा ह्योन काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है एंड वो अपनी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करती है, उसकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, वो ड्राइविंग भी करती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है हर एक काम पे एंड साथ ही जा ह्योन अपनी माँ की बहुत केयर करती है एंड उसकी माँ को एक बीमारी होती है और जा ह्योन की माँ को अल्जाइमर डिजीज़ नाम की बीमारी होती है और जा ह्योन भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर सीन चेंज होता है, दिखाते हैं एक दिन कि वो लोग सब अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, तभी वहाँ न्यूज़ आता है कि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंडमैन सू और बहुत ही वो फेमस थे, उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। ये न्यूज़ देखने के बाद में जा ह्योन काफ़ी शॉक्ड होती है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में कि जब खाना खाने के बाद में जा ह्योन जाती है शावर लेने के लिए तो उसके पीठ पे हमको शोल्डर पे एक अजीब सा निशान देखने को मिलता है जिससे हम जान पाते हैं कि जा ह्योन एक नॉर्मल बच्ची नहीं होती है। उसे देखते हैं जब वो नहा के आती है बाहर, अपने बाल सुखा रही होती है, तभी उसको अचानक से हेड में अचानक से बहुत तेज़ पेन होता है और थोड़ी देर बाद जब उसको रिलैक्स मिलता है जाके लैपटॉप पे वो अपनी माँ के ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ सर्च कर रही होती है, कितना खर्च जाएगा सब चीज़ों के बारे में। फिर सीन चेंज होता है, देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग जा ह्योन की फ्रेंड योंग ही उसका वेट कर रही होती है बस स्टॉप के पे स्कूल जाने के लिए। जैसे ही जा ह्योन आती है दोनों बातें करते हैं बस में बैठ। फिर हम देखते हैं जा ह्योन बस में जा रही होती है, साथ में उसकी फ्रेंड भी होती है। उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि यहाँ पे एक म्यूज़िक कंपटीशन हो रहा है, तुम इसमें पार्टिसिपेट करो, जो विनर होगा उसको अच्छी रकम मिलेगी। ये सुन के जा ह्योन उसमें पार्टिसिपेट करती है और वो सिलेक्ट भी हो जाती है। फिर दिखाते हैं घर पे जब दोनों आते हैं, दोनों फ्रेंड और उसके पेरेंट्स सब टीवी देख रहे होते हैं, वहाँ पे जा ह्योन का भी ऑडिशन दिखाते हैं एंड जा ह्योन वहाँ पे एक मैजिक ट्रिक दिखाती है जिसको देखने के बाद में उसके पेरेंट्स काफ़ी वरीड हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं वहाँ पे कि एक कॉल आता है जा ह्योन के घर में, उसकी फ्रेंड वो कॉल रिसीव करती है बट कॉल पे कोई भी सामने से बात नहीं करता है। सीन चेंज होता है, दिखाते हैं एक आदमी होता है जो उनके घर से काफ़ी दूर होता है एंड वो स्मोकिंग करते हुए उनके घर के ऊपर नज़र रखता है। फिर दिखाते हैं जा ह्योन अपने रूम में सो रही होती है, उसको अचानक से बहुत ज़्यादा हेडेक होता है एंड कुछ टाइम बाद में फिर वो सो जाती है।
फिर दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में कि जायोन और उसकी फ्रेंड दोनों जाते हैं ट्रेन से उस कॉम्पिटिशन के सेकेंड लेवल राउंड के लिए, और वो ट्रेन में बैठे होते हैं। इतने में ही जायोन के सामने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है नोवल मैन, और वो उसको आके बोलता है जायोन को हेलो विच। इस पर जायोन थोड़ी शॉक्ड होती है एंड उसके ऊपर ज़्यादा कोई रिएक्शन देते हुए नहीं बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती तुम कौन हो। इस पर जायोन बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, चालाक हो, और वो अचानक से ही जायोन के ऊपर अटैक करता है जिस पर जायोन कोई भी रिएक्शन देती नहीं है एंड नोवल मैन यहाँ से हंस के चला जाता है। और फिर देखते हैं जैसे ही नोवल मैन वॉशरूम के पास पहुंचता है उसको एक आदमी से टक्कर हो जाती है एंड इतनी सी बात पे उस आदमी को मार डालता है। फिर दिखाते हैं कि जयान और उसकी फ्रेंड के जाते हैं कंपटीशन के लिए, जाने के बाद में फिर देखते हैं वहाँ पे जो सेकंड राउंड था वो भी वो करके अच्छे से बाहर आती है ऑडिशन देखे। वहाँ दिखाते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस देखे बाहर आती है, जो वहाँ का डायरेक्टर था वो उसको बोलता है जायोन को कि तुमने जैसी मैजिक ट्रिक दिखाई थी फर्स्ट शो में वैसे यहाँ पे भी कुछ दिखाओ। इस पे जायोन उसको मना कर देती है, वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर दिखते हैं जैसे जायोन बाहर निकलती है वहाँ से उस जाती है वॉशरूम में, उसको बहुत तेज हेडेक होता है एंड साथ ही में उसको नोज़ ब्लीडिंग भी होती है। इस टाइम पर जायोन को याद आता है डॉक्टर ने कहा था उसको कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुमको एटलीस्ट अपने रियल पेरेंट्स का बोन मैरो ट्रांसफर ही बचा सकता है क्योंकि तुम्हारे पास ऑलमोस्ट इस टाइम पे 2 से 3 मंथ ही हैं। और वहीं हम देखते हैं जियोन का जो परफॉर्मेंस हो रहा था सेकेंड राउंड का, उस टाइम पे वो शो लाइव था और जो डॉक्टर ब्रेक और चौन थे वो दोनों उस शो को देखते हैं एंड साथ ही में डॉक्टर ब्रेक उसको बोलती है चौन को कि हमने आखिरकार उसको ढूंढ ही लिया क्योंकि डॉक्टर ब्रेक ने उसको देखा था लाइव परफॉर्मेंस करते हुए और उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर लेती हैं। तो जल्दी से ही वो अपने आदमियों को डॉक्टर चौंग के साथ भेज देती हैं कि ताकि वो जॉयों को किडनैपर के लेके आए उसके पास में। बट उससे पहले जैसे ही जियोन उसको देखती है घबरा जाती थोड़ी सी, लोग को देख के लोग कौन है क्या है। इतने में वहाँ पर टैक्सी पकड़ के लोग भाग जाते हैं वहाँ से। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर चौक के आदमियों से वो बच जाते हैं, जियोन और उसकी फ्रेंड टैक्सी में बैठ जाती हैं और जैसे टैक्सी से बाहर आती हैं बस के लिए वो वेट कर रही होती हैं रोड पे। इतने में वहाँ पे मिस्टर नोवल आते हैं एंड वो उसको बोलते हैं अपने पेरेंट्स को बचाना है तो जल्दी से जाओ अदरवाइज तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहेंगे। ये सुनने काफ़ी डर जाते हैं वो लोग और वो लोग टैक्सी करते हैं घर के लिए जाते रहते हैं। इतने दिखाते हैं कि नोवल जो था वो पहुँचता है जियोन के घर पर एंड वहाँ पर जो जायोन की फ्रेंड थे उसके फादर एक पुलिस वाले थे वो वहाँ इत्तेफाक से पहुँच जाते हैं, लोगों से पूछताछ करने लगते हैं जिससे वो लोग घबराते हैं वहाँ चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि जायोन जैसे घर पहुँचती है वहाँ मिस्टर डो जो कि उसकी फ्रेंड के पापा थे वो पुलिस में थे, तो पुलिस की कार जो होती है वो घर के सामने होती है। देखिए काफ़ी डर जाती है, वो जल्दी से घर के अंदर जाती है, देखती है घर के अंदर थोड़ा अंधेरा होता है और उसके घर वाले बैठे होते हैं सेफ होते हैं, ये देख के रिलैक्स फील करती है। फिर हम देखते हैं मियाओ के फादर जाते वक्त वो जैनियों से पूछते हैं कि ये लोग नोवल मैन के बारे में पूछने लगते हैं कि ये कौन है, यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, तुम जानते हो क्या उनको। उस टाइम पे जो जायोन होती है वो साफ ना करती है मैं उनको नहीं जानती, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं मिस्टर नोवल अपनी टीम के साथ एक साइंटिस्ट के घर जाते हैं, उसको वो लोग जाके उसकी गार्ड उसकी पूरी फैमिली और उसको भी मार डालते हैं। और जब वो लोग मारते हैं डॉक्टर को तो हम समझ पाते हैं कि ये लोग के पास में साइकोलॉजिकल पावर भी है ताकि इंसान के दिमाग और उसके बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं ये लोग। और साथ ही में डॉक्टर को लोगों ने क्यों मारा वो भी एक रहस्य बन जाता है। आते हैं सीन शिफ्ट होता है, मिस डॉक्टर जो थी उनकी ब्रेक एंड जो मिस्टर चॉय थे दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम पर दोनों बीच डिस्कशन होती है और वहाँ पर जो मिस्टर चॉय को डॉक्टर बोलती हैं तुम ये टीम छोड़ के जाओ तुम कोई काम के नहीं हो हमारे। इस टाइम पर जो चॉय होते हैं वो बोलते हैं कि तुम जायोन को हम जानती हो कहाँ है वो क्या है। ये बात सुनने के बाद जो डॉक्टर होती हैं वो बोलती हैं तुम उसकी टेंशन मत लो हम उसको संभाल लेंगे। इस बात पे जॉय बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ से जा चुकी है वो, तुम उसको संभाल नहीं सकती हो, उसके संभालने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है उसको मार डालो। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं जो मिस्टर चॉय थे जाके मिलते हैं सीईओ सुंग से। चॉय मिलने के साथ में ही जितने भी जायोन की रिपोर्ट्स होती हैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट सब उसको दिखाते हैं डिस्कस करते हैं। इस पे जो सीईओ थे वो बोलते हैं तुम उसके साथ जो भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे उसकी दिमाग चाहिए मुझे उसका, तो मुझे सिर्फ उसका दिमाग दो बाकी मुझे कुछ नहीं करना उसका। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जायोन अपने घर पर होती है, उसकी फ्रेंड उसके पेरेंट्स डिनर कर रहे होते हैं। इस टाइम पर दिखाते हैं उसकी माँ की कंडीशन ख़राब हो जाती है, उसकी माँ बोलती है जायोन कहाँ है, बहुत छोटी है और बहुत बीमार रहती है, खाना ठीक से नहीं खाती, उसको बुला खिलाओ खाना खाने के लिए। एंड साथ ही में वो जायोन को पहचानती नहीं है कि जायोन इतनी बड़ी हो चुकी है एंड ये जायोन ही है, ये देख के उनको बहुत अजीब लगता है। पर उसके पापा शीश को संभालते हैं और उनको वहाँ से ले जाते हैं। दैट मीन्स कि जो जायोन की माँ की कंडीशन थी वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और यहाँ फिनिशिंग शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जायोन रात को सो रही होती है, उसकी फ्रेंड भी उसके साथ में सो रही होती है। अचानक से उसकी फ्रेंड उठती है और बाथरूम जाती है, इतने में ही जायोन को कुछ आवाज़ें आती हैं और जैसे बाहर आकर देखती है कि कुछ लोगों ने उसकी फ्रेंड को एज अ
बंदी बना के रखते हैं। एंड सब जब देखते हैं हम लोग की जायन देखती है सब चीज़ों को काफ़ी डर जाती है, बट वो तुरंत ही अपने रियल अपना रूप दिखाती है एंड सब लोगों को क्या करके मार डालती है। ये देख के उसकी फ्रेंड थोड़ी शॉक्ड होती है, बट वो थोड़ी देर में इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करती है। उतने में ये वहाँ पे मिस्टर नोवल मैन की एंट्री होती है एंड वो उसको शाबाशी देके जायवान को उसको कहीं ले जाने के लिए बोलते हैं। एंड साथ ही में जायवान को बोलता है अगर तुम मेरे साथ नहीं चलो तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग तुम्हारे फ्रेंड्स सबको मैं मार डालूंगा। जायवान ये सुन के काफ़ी डर जाती है और वो चाहती नहीं कि उसके पेरेंट्स को पता चले कि वो कुछ बीमारी से परेशान है या फिर ऐसे लोग कौन उसके पास में क्यों आ रहे हैं, तो इसलिए वो चुपचाप से जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर देखते हैं रास्ते में जा रही होती है तो मिस्टर नोबल मैन उसको बताते हैं तुमने काफ़ी रिसर्च किया था और ऐसी फैमिली चुनी थी जिस फैमिली का बेटा और पोता पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुके थे और तुम तो इतनी क्यूट हो तुम्हें कोई भी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। फिर हम देखते हैं कार रुकती है और उसी लैब में रुकती है जो हमको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बहुत सारा ब्लड होता है, बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पे जाते हैं जायन को लेके वो लोग। देखते हैं जायन उस लैब में जाती है, उसको वो लोग कोई चेयर में बांध के रखते हैं एंड साथ ही में डॉक्टर जो ब्रेक होती हैं वो आती हैं वहाँ पे और उसको एक इंजेक्शन दिलवाती हैं अपनी टीम के थ्रू, टीम मेंबर के थ्रू, ताकि उसको जो भी उसकी मेमोरीज हैं सब उसको याद आ जाए। इंजेक्शन लेने के बाद में ही उसकी मेमोरी पूरी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे हम देखते हैं जायन के ऊपर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं मिस्टर ब्रेक एंड उसको बहुत सारे यातनाएँ दे रहे होती हैं उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा टॉर्चर दे रही थी उसको। और साथ ही में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रेक जो होती है उसको बोलती है मैंने तुम्हारे ब्रेन के डीएनए को चेंज किया है, तुमको बनाया, तुमको इतना पावर दिया, तुम इतनी पावरफुल बनी हो। साथ ही में डॉक्टर ब्रेक उसको बोलती हैं कि मैंने तुमको बनाया है, तुमको इतना सब कुछ दिया है, तुम मेरी मतलब तुम आज इतनी सब पावर लेकर तुम घूम रही हो। इस पर जायन बोलती है तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। इस पर डॉक्टर ब्रेक बोलती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो उस टाइम पर जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे तुम सबसे अलग थी, सबसे यूनिक थी और तुम्हारे जनरेशन जितने भी एक्सपेरिमेंट थे सब के सब सक्सेसफुल हुए थे और तुम उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी थी और तुम्हारे जनरेशन का जो भी एक्सपेरिमेंट था पास होने के बाद में, सक्सेसफुल होने के बाद में हम लोगों को डर हो गया था कि तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है, कोई सा कोई भी इलाज नहीं तुमको कंट्रोल करने के तुम लोग के लिए। चूँकि तुम लोगों का कोई इलाज नहीं था, तुम लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस हमारे पास नहीं था, इसलिए तुम लोगों को मारने का ऑर्डर आया था और हमने तुमको नहीं मारा था। ये सब बात डॉक्टर ब्रेक बोलती हैं जियोन को और वो इस टाइम पे देखते हैं जियोन के नोज से बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है, नोज ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे डॉक्टर देखती हैं उसको और उसको बोलती हैं तुम्हारा सिर्फ एक ही इलाज है, तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो तुमको नहीं मिला तो तुम जल्दी ही मर जाओगी। और ये सब बातें उनकी जो नॉर्मल मैन होता है वो दूसरे रूम से सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं नोवल मैन को काफ़ी गुस्से में बाहर निकलता है और वो बोलता है कि यह सब कुछ एक ट्रैप था, हम उसको नहीं लेके आए, वो खुद यहाँ आना चाहती थी इसलिए यहाँ पे आई है वो। तभी हम देखते हैं डॉक्टर ब्रेक जो होती हैं अपने स्टाफ की हेल्प से एक इंजेक्शन बोलती हैं देने के लिए जायन को, जो उसका एंटीडोज होता है, दैट मीन जो उसको पेन था उसकी दवाई सिर्फ वही थी। साथ ही जो डॉक्टर ब्रेक होती हैं वो बोलती हैं तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जा सकती है, वो है ब्रोन मैरो ट्रांसफर, अदरवाइज ये मेडिसिन जो तुमको मंथ में एक बार लेनी ही पड़ेगी क्योंकि इसका इफेक्ट एक मंथ तक ही होता है। ये सुनने के बाद में जायन जो होती है काफ़ी हंसने लगती है और वो देखती है, इसको देख के डॉक्टर ब्रेक काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं। फिर खुलता है मूवी का असली सस्पेंस, असली राज, और देखते हैं कि ये जायन जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं, बहुत ज़्यादा चालू है। वो बोलती है मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी पर उतना कुछ हुआ नहीं और मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी और मेरे को सब कुछ याद था। और हमको समझ आता है कि वो सब कुछ याददाश्त जाने का नाटक करते ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। जब उसको पता चलता है कि उसको ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसको बोन मैरो का ज़रूरत है, तब वो ये सब चीज़ों के लिए सब ड्रामा करते ताकि वो यहाँ पर आके अपना रियल पेरेंट्स का पता कर सके या फिर इसका एंटीबॉडी डोज ले सके, जो कि मिस्टर जो डॉक्टर थी उनके पास ही था, सिर्फ डॉक्टर ब्रेक के पास। तक हम समझ चुके होते हैं डॉक्टर ब्रेक के पास एंटीडोज था और जायन की बीमारी थी, इसके लिए जब उसने सब ड्रामा किया, सब प्लान बिछाया और यहाँ तक पहुँची वो। अब वो उसकी जो स्माइल थी वो काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी थी और यहाँ शुरू था खूनी खेल। अब वो एक एक करके सभी स्टाफ जितने लोग भी थे डॉक्टर के सबको मारने लगती है। डॉक्टर बोलती है सब कोई को जितने लोग भी लगे लोगों उसको मार के ख़त्म करो जायन को, पर जायन सबके ऊपर भारी पड़ती है और एक एक करके सबको मार डालती है और जल्दी डॉक्टर ब्रेक के पास भी पहुँच जाती है उनको मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं कहानी में ट्विस्ट आता है, मिस्टर चोई अपने आदमियों के साथ आते हैं उस हॉस्पिटल में और उनको ऑर्डर मिले थे सीईओ से कि जितने भी इनह्यूमन्स हैं उनको मारने के लिए, तो वो अपने आदमियों के साथ आते हैं और सबको मारना शुरू कर देते हैं। उनको मारने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, उनके माइंड के हेड के बीचों बीच उनको शूट करना पड़े तभी मर पाएंगे, अदरवाइज वो मर नहीं पाते थे। और वो उनको अच्छे से पता था मिस्टर चोई को, तो वो सबको इसी तरह से मार रहे थे।
फिर हम देखते हैं कि जायोन धीरे धीरे सबको मार डालती है एंड वहाँ पे बसते हैं सिर्फ और सिर्फ तीन लोग जो होते हैं नोबल मैन, जायोन एंड चोई। अब वो तीनों काफ़ी लड़ाई करते हैं, डॉक्टर ब्रेक होते हैं, वो जिंदा रहते हैं लास्ट तक, बट उससे पहले ही चोई आते हैं, उसको मार डालते हैं। एंड जो जायोन की एक टीम मेम्बर थी वो भी जिंदा रहती है, उसको कोई और नहीं चोई ही मार डालते हैं, और जायोन भी उसको उनका हेल्प करते हैं मारने में। फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर नोबल मैन थे एंड जाहियोन के बीच काफ़ी अच्छी फाइट होती है, दोनों काफ़ी कुछ टक्कर देते हैं एंड चोंग भी आते हैं, वो डॉक्टर ब्रेक को मारते हैं एंड साथ ही में नोबल मैन की जो एक फ्रेंड थी उसको भी मारती है जाहियोन, और नोबल मैन को भी जाहियोन ही मारती है, मिस्टर चोंग को सबको मार के वहाँ से निकलती है। एंड जो उसका एंटीबॉडी डोज था वो भी लेके जाती है उसकी माँ को, जो कि वही प्रॉब्लम थी, तो उसने वो दवाई का डब्बा अपने माँ को दिया एंड अपने फादर से मिलती है। उसके फादर उसको बोलते हैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, उसके फादर बोलते हैं मुझे लगा था तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुमको मैं अपने पास रख सकता हूँ, तुमको मैं पाल सकता हूँ, पर तुम बिल्कुल अपोजिट रख निकली, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ, वैसा बोलते हैं। और वो डब्बा देखकर अपनी माँ को वहाँ से निकलती है, अपनी फ्रेंड को बाय करती है एंड अपनी जो बीमारी का प्रॉपर क्योर के लिए जाती है वो। फिर कहानी लीप लेती है 3 महीने का और हम देखते हैं जाहियोन जो होती है वो मिस्टर ब्रिक के, मिसेस ब्रेक के एक जुड़वा बहन होती है, उसके सामने बैठ के बातें कर रही होती है। उतने में दिखाते हैं वह कॉल लेडी आती है, जाहियोन देखती है मिरर में कोई एक लेडी है जो उसके पास में खड़ी होती है। इतने में जाहियोन उसको बोलती है तुमने मुझे अगर हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है मूवी में कि ये सब चीज़ें क्यों कैसे हुई, तो आपको मैं बताऊँगी कि जो मूवी का फर्स्ट सीन दिखाते हैं, कुछ पोस्टर्स, कुछ फोटोज़, बुक्स दिखाते हैं, अजीब अजीब पिक्चर्स की, दैट मीन्स वो ये था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सुपर ह्यूमंस की जो पावर होती है, उनकी जो उनकी बॉडी के कुछ अलग बिहेवियर होते हैं, पावर्स होती हैं, नेचर्स होती हैं, उनको लेने के चक्कर में होती है हमेशा से। एंड हम देखते हैं कि जो डॉक्टर ब्रेक होती है वो बार बार हेडक्वार्टर बोलती है मूवी में, दैट मीन्स वो सिर्फ एक मूवी का सिर्फ मोहरा थी, एक सिर्फ पार्ट थी, असली खेल कहीं और ही चल रहा हो रहता है। और साथ ही में जब जियोन बात कर रही होती है डॉक्टर ब्रिक के सिस्टर से, अचानक से उसकी एक और सिस्टर आती है जियोन के बगल में, जिसको जियोन देखती है और उसको बोलती है अगर तुमने मुझे हाथ दिया तो मैं मार डालूंगी, दैट मीन्स कि वो भी एक इनह्यूमन ही थी, सुपर ह्यूमन ही थी। दैट मीन्स अभी भी ऐसे लोग बहुत से हैं जो जिंदा हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, और बहुत से खुलासे ऐसे हैं जो मूवी के फर्स्ट पार्ट में रिवील नहीं किए गए हैं। मे बी इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही आएगा, तब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन जरूर करूँगी। तब तक के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को मेरी अच्छे कमेंट्स करिए। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।